हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बैठा हूँ आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 61 वाला लेक्चर पढ़ाने जा रही हूँ। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फाजिन्स। ये हमारा टॉपिक आज का प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फाजिन्स। हम बेटा PnCl2 का हर एड फॉस्फोनाइट्रेट क्लोराइड बन रहे थे, तो कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए आप इनके। पहला प्रॉपर्टी है इसी का, फर्स्ट PnCl2 का होल साइज इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। PnCl2 बेटा एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, ट्राई फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है बेटा। देखेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट 114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी इज 256 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। थर्ड देखेंगे, इट इज सॉल्युबल इन CCl4 कोमा बेंजीन एंड इथर। इट इज सोलेबल इन CCl4 बेंजीन एंड इथर एंड बेंजीन एंड इथर। देखेंगे फिर नेक्स्ट दूसरा पांचवा एक्शन ऑफ हीट ऊष्मा का प्रभाव, एक्शन ऑफ हीट अर्थात ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा के प्रभाव की बात करते हैं बेटा, एक्शन ऑफ हीट ऊष्मा का प्रभाव। 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर PnCl2 का होल थ्राइड या PnCl2 का होल फोर बहुलीकृत होकर रबड़ जैसा लचीला पदार्थ या अधिक अणुभार वाले क्लोराइडों का मिश्रण लेते हैं। हम कह सकते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर PnCl2 का होल साइज एंड PnCl2 का होल फोर, ये दोनों होल फोर
potassium chloride और या कह रहे और एक मिक्सचर ऑफ एक मिक्सचर ऑफ क्लोराइड्स एक मिक्सचर ऑफ क्लोराइड्स ऑन हाई ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट ठीक है बात समझो बेटा बात यह है कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर जो PnCl2 का होल थ्राइस और PnCl2 का होल फोर है ये दोनों बहुलीकृत होकर रबर जैसा एक लचीला पदार्थ या उच्च अणु भार वाले क्लोराइडों का एक मिश्रण देते हैं ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता दी अभी तो प्रॉपर्टी चलेगी by many nucleophiles
देखो जरा ये प्राइमर PnCl2 एक यूनिट ये है, एक यूनिट बेटा क्या है ये है, ठीक, एक यूनिट ये है और एक यूनिट ये है, तीन यूनिट के ट्राइमर है। अब हम रिएक्शन कराते हैं जल से 6H2O क्या होगा, बस कोई जुड़े जुड़े देखिए बेटा दो दो चार दो छह इसलिए 6H2O और क्या लिखेगा फिर प्लस 6HCl ये बना, यही तो बोला था हमने, यही तो बोला था बेटा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है तो आज बस यही था, थैंक यू वेरी मच।